सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं लेटर टू दी एडिटर ऑन रेकलेस ड्राइविंग। सो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेटर टू दी एडिटर जो होता है वो हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एंड आज की इस वीडियो में हम यही कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो कभी भी लेटर टू दी एडिटर जब भी हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमको अपना एड्रेस लिखना होता है, ठीक है, कि हम रहते कहाँ हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 2 शास्त्री नगर पटना। उसके ठीक बाद हमको यहाँ पर एक लाइन लीव करना है। एक लाइन लीव करने के बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे डेट। डेट का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि आपको प्रॉपर तरीके से डेट को लिखना है, ऑलराइट। उसके बाद हम डेट लिखने के बाद हम यहाँ पे एक लाइन लीव करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है दी एडिटर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हम लेटर किसको लिख रहे हैं, दी एडिटर को, एडिटर साहब को लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे टू दी एडिटर। उसके बाद दी टाइम्स ऑफ इंडिया, कौन से न्यूज़पेपर का हम मोस्टली लिखते हैं, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखेंगे, फिर अपने सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन लीव कर देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो टू दी पॉइंट होना चाहिए और कम शब्दों में अच्छे तरीके से उसका महत्व इंपॉर्टेंस बताना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो है क्या, ठीक है। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, सब्जेक्ट हमेशा आपको ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे एक लाइन लीव कर देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सर। उसके बाद लिखेंगे हम हमारा जो मेन बॉडी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities and the general public toward the issue of more and more cases of reckless driving every day. यानी कि आपके respected newspaper से, आपके इन्फॉर्मेटिव न्यूज़पेपर से मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहती हूँ, लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहती हूँ कि दिन प्रतिदिन जो रेकलेस ड्राइविंग है उसका जो केस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है। रेकलेस ड्राइविंग हैज़ बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे, सो मेनी एक्सीडेंट्स टेक्स प्लेस एवरी डे ऑन सिटी रोड्स, ड्राइवर्स प्ले विथ लाइव्स ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि जो ड्राइवर होते हैं वो बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं और बूढ़े जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि तेज़ी से ड्राइवर चलाया जा रहा है 100 के स्पीड में, 80 के स्पीड में, और जिस कारण से कितना दुर्घटना हो जाता है। यंग बॉयज़ फील द थ्रिल ऑफ द स्पीड, यानी कि जो जवान लड़के होते हैं, जो युवा पीढ़ी होती है, वो इतनी स्पीड में चले आते हैं गाड़ी अपने बाइक लेकर के या स्कूटी लेकर के, और वो खुद को मज़ा समझते हैं लेकिन उस कारण से बहुत ही दुर्घटना होती है। दे डू नॉट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स, दे टेक प्राइड इन ओवरटेकिंग अदर व्हीकल्स एंड गोइंग अगेंस्ट लाइट एट द क्रॉसिंग, यानी कि वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं कोई से भी ट्रैफिक रूल्स को, उसका मान नहीं करते हैं जिस कारण से सड़क दुर्घटना होती है। All this results in fatal accident. Traffic rules must be observed. Underage driver and those driving without license should be punished. A reckless driver who speeds away after knocking down a person should be forced to spend at least 1 hour in the prison cell after being caught by the police. ठीक है? The syllabus of each class must contain one chapter of traffic rules. यानी कि हर कक्षा में, हर क्लास में, एक सिलेबस में कम से कम एक चैप्टर ज़रूर होना चाहिए ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ताकि लोग उसका ध्यान रखें और सड़क दुर्घटना के बारे में उनके बारे में अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन हो, जिस कारण से जो ट्रैफिक रूल का जो पालन नहीं करते हैं और एक्सीडेंट्स जो होती हैं उसका केस घटे, थोड़ा कम भी हो। द प्रॉब्लम कैन बी ईजिली डील विथ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इशू एज मच एज पॉसिबल, यानी कि ये जो इशू है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। कैसे ठीक होगा? अगर हम उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे इस इशू के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना, एंड ऑल्सो बाई टेकिंग टाइमलेसली एक्शन, समय के साथ हमें एक्शन लेना बेहद इंपॉर्टेंट है, तो समय रहते ही इस बारे में हम लोगों को अवेयर करना है, ठीक है। उसके बाद हेंस आई विश दी अथॉरिटीज़ मेक अ नोट ऑफ सिचुएशन एंड एक्ट अपॉन इट इमीडिएटली, यानी कि मैं अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना एक सिचुएशन का नोट डाउन करें और इसके बारे में तुरंत से तुरंत कोई एक्शन लें। उसके बाद थैंकिंग यू लिखना है, उसके बाद एक लाइन आपको लीव करना है, और उसके बाद अपना यहाँ पे लिखना है योर सिंसियरली, फिर अपना नाम, अपना नाम हमको कैपिटल में लिखना है और पूरा नाम लिखना है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हमने कवर अप करा है लेटर टू दी एडिटर ऑन रेकलेस ड्राइविंग। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।